भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोनी के साथ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर ने 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। धोनी ने आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के सौम्य विश्वास और मिहिर दिवाकर के खिलाफ रांची की एक अदालत में आपराधिक केस तक दर्ज कर दिया है। इससे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर फैंस धोनी के साथ हुए फ्रॉड पर खूब भड़क रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दिवाकर ने एमएस धोनी के साथ विश्व स्तर पर एक क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने का समझौता किया था। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थी, लेकिन मिहिर दिवाकर ने जो भी शर्तें दी थी उसका पालन नहीं किया। वहीं उन्होंने आरका स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी शुल्क का भुगतान करना था और लाभ भी साझा करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इससे धोनी को काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इससे धोनी को 15 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के खिलाफ नामजद क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया है। जी हां, बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने केस रांची के मिहिर दिवाकर और सौम्य विश्वास की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी आरका पर किया है। दिवाकर ने धोनी के साथ मिलकर साल 2017 में एक करार किया था, जिसके तहत वह विश्व स्तर पर क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने वाले थे।